हमारे क्लाइंट परवेश कुमार मन्नू की तरफ से हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि छुट्टियों से पहले जो ऑर्डर मन्नू की ऑसिफिकेशन टेस्ट का हुआ था उसके लिए क्राइम ब्रांच को जो ऑसिफिकेशन टेस्ट जम्मू में करवाना था कठुआ से लेके, इस टेस्ट के दौरान क्राइम ब्रांच ने कई सारी इलीगल और गैर कानूनी हरकतें की, पिटिशनर को टॉर्चर किया, हैरेस किया, उस पर दबाव बनाया कि तुम झूठ बोलो, झूठ बोल के गलत एविडेंस क्रिएट करो और गलत एविडेंस क्रिएट करके बाकी सब लोगों को फंसा दो। क्राइम ब्रांच के लोगों ने जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद भी प्रवेश कुमार और मन्नू को थप्पड़ मारा और उसको ये प्रताड़ित किया, उसके भाइयों को फंसाने की कोशिश की और झूठ बोलने पे मजबूर किया, अप्रूवल टर्न करने के लिए प्रेशराइज बनाया। तो आज हमने वो सारा डिटेल्ड अकाउंट जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट कठुआ का भी कुछ रोल सामने आया है वो सारा नोट डाउन करके एप्लीकेशन की फॉर्म में 5 या 6 पन्ने की एप्लीकेशन है वो पूरा डिटेल्ड अकाउंट जो कोर्ट के सामने रखा, जिसकी प्रति हमने एक प्रोसिक्यूशन को भी दी जिसके ऊपर कल बहस और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इसकी मुख्य चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके के आरोप मन्नू प्रवेश कुमार ने क्राइम ब्रांच के SIT के ऑफिशियल्स पे लगाए हैं, खासकर उसके हेड पे SSP रमेश कुमार जाला पे, उसके अलावा शेतांबरी पे, उसके अलावा SI उरफान वानी पे, ये वो ऑफेंसेस हैं, ये वो जुर्म हैं जो साबित होने के बाद उन पे भी उतनी ही सज़ा का प्रावधान रखते हैं जितनी 302 के मुकदमे में किसी एक्यूज्ड को सज़ा होती है। सेक्शन 194-196 की कार्रवाई इसमें प्रारंभ की जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ चीज़ें पेश की गई हैं। एक मिनट का ब्यौरा प्रवेश और मन्नू ने दिया जिसके बाद उचित कार्रवाई के लिए ये एप्लीकेशन हमने मूव कर दी। तो क्लियरली जिस तरीके से पहले से ही हर कोई सामने आके, चाहे वो विटनेस हो या एक्यूज हो या एक्यूज की फैमिली हो, यही कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच ने एक झूठा केस बनाया और झूठा केस बना के हमें फंसाने की कोशिश कर रही है और धमकियां दे दे के हमसे झूठी चीज़ें लिखवाई हैं। आज उसी की एक और दूसरे तरीके से जो ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई वो सामने आई है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये चीज़ रख सकते हैं और डिटेल्स ऑर्डर आने के बाद आपसे शेयर करी जाएंगी। फिलहाल के लिए वी हैव मूव्ड अगेंस्ट रमेश कुमार जाला, पीरजादा नवीद, श्वेतांबरी शर्मा, SI उरफान वानी, जेल सुपरिटेंडेंट कठुआ, कि जिस तरीके से इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा के झूठे एविडेंस क्रिएट करने के लिए कार्रवाई की वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए। वी हैव टेकन दैट स्टेप और मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई कानूनी रूप से जो होनी चाहिए वो होगी। इसके अलावा छुट्टियों के बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ था और विटनेसेस जो हैं वो डिपोज किए जा रहे हैं। तीसरा नंबर विटनेस की आज डिपोजिशन थी, उन्होंने डिपोज किया, क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ हद तक हुई है, कुछ तक हद तक बाकी है और इसी तरीके से ये चीज़ आगे चलती जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा, जो ऑसिफिकेशन टेस्ट जज साहब ने सेशन कोर्ट पठानकोट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट ऑर्डर किया था प्रवेश कुमार मन्नू जो हमारा क्लाइंट है उसको लेके, उसको हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, हाईकोर्ट में आज उसकी सुनवाई थी, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पिटीशन को टेकअप किया है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो शाम तक अभी हमें पता चलेगा कि क्या इंटरिम ऑर्डर्स पास होंगे या क्या नोटिस पास हो गए या किस तरीके की सुनवाई आगे रहेगी। और उसके अलावा इन सारी डेवलपमेंट्स को लेके जज साहब को भी अप्राइज किया गया, कल हमारी उस एप्लीकेशन पे भी बहस होगी जिस एप्लीकेशन के जरिए हमने प्रवेश कुमार एलियास मन्नू को जुवेनाइल डिक्लेयर करवाने के लिए दरख्वास्त की। इसके अलावा ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसकी डिटेल्स आई वुड नॉट लाइक टू शेयर इट विद एनीबॉडी। और कल बहस के बाद जो भी ऑर्डर होगा वो आप लोगों से शेयर।